बच्चों मनी, आवाज दैट मनी व्हाट, दिस मनी, या आ रही है? नहीं निकलेगा कंप्यूटर मैम कहाँ पढ़ाती है यार? ना, उधर पर्दा खींचो पूरा ठीक से, और खींचो नीचे से ठीक करो। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, मैम। इंग्लिश ग्रामर की बुक सब लोग उठा लीजिए। गुड गुड मॉर्निंग वेरी गुड। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप तो आ रही होगी ना? यस हाँ, तो ग्रामर की बुक निकाल लीजिए। मैम, थोड़ा सा ऑन करिए, अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा सा ऑन कर लीजिए। वाला चूल्हा दे दिया हमने, चूल्हा दे चैप्टर दिया। नाइनटीन ओके। पानी मेरा खोल रहा है या फिर मुंह धो लो। इंग्लिश 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 को इंग्लिश को करो, कौन से? अच्छा, इंग्लिश इंग्लिश ये लो इंग्लिश ग्रामर। अच्छा, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन आपको जिसमें से आपको कुछ निकाल था। एक्सरसाइज या कुछ जैसे ये वाला पैसेज हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर नहीं है 65 इंग्लिश ग्रामर की बुक, पेज नंबर 65। ना। हाय स्टार्ट करें बच्चों, सब लोग निकाल लिया। अली गोज टू द जू, ये चैप्टर है आपका, अली गोज टू द जू। तो इट इज संडे, अली फादर टेक्स हिम एंड हिज फ्रेंड्स टू द जू। अली के फादर ने उनको और उनके फ्रेंड्स को कहाँ ले गए? उसके फादर हम लोग को जू लेकर गए। जू जानते हैं ना बच्चों क्या होता है? जू क्या होता है बताइए? चिड़िया जी, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं ना, कई तरीके के एनिमल्स रहते हैं। एंड लाओ तो मैं ये 13 है, लास्ट 19 कहाँ से मैं आ जाएगा? जू में जहाँ पर सब गए थे वहां पर बच्चों ने क्या लिखा? कई तरीके के वाइल्ड एनिमल्स, मेनी वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि कई सारे वाइल्ड एनिमल्स। दे सी दे ग्रास, टाइगर, इतने भाई लायंस, डियर, टू भाई फॉरेस्टर्स नहीं एंड तुम उसको सुनो, डिफरेंट। क्यों ठीक है ना? स्लो आ रही है? अब बताइए, यस मैम।
आ रही है आवाज? यस मैम। अब मेरी मैम आपकी आवाज सही आ रही? अब ठीक है ना? यस मैम। चलो ठीक है, तो हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 इंग्लिश क्लास, जिसमें हमने पढ़ा इट इज संडे टुडे। आज संडे का दिन है। टुडे मतलब आज। आज टुमारो मतलब कल। कौन सा कल? तो बीत गया है वो, या जो आने वाला है फ्यूचर में वो, कौन सा कल बताइए? टुमारो बीत गया। नहीं बेटा, टुमारो मतलब जो आने वाला है वो कल, और बीत गया वो कल कौन सा होता है बताइए? आदित्य, चंद्रा, सिद्धार्थ, अविका, यस्टरडे। यस्टरडे करेक्ट। तो इट इज संडे टुडे। अली'स फादर टेक्स हिम एंड हिज फ्रेंड्स टू द जू। उनके फादर अली को और उनके फ्रेंड्स को जू लेकर गए। एट द जू, जू पर द चिल्ड्रन सी मैनी वाइल्ड एनिमल्स, बच्चों ने कई सारे वाइल्ड एनिमल्स देखे। दे सी ज़ेब्रास, टाइगर्स, लायन, डियर, हिप्पोपोटामस एंड मेनी अदर एनिमल्स। उन्होंने ये सारे एनिमल्स देखे और भी बहुत सारे एनिमल्स देखे। दे ऑल्सो सी मंकीज स्विंगिंग फ्रॉम द ट्रीज। स्विंग करना क्या होता है बच्चों? स्विंग करना मतलब झूलना है ना, एक ट्री से दूसरे ट्री पर मंकीज जो है वो स्विंग करते रहते हैं। आपने देखा है मंकीज को कभी स्विंग करते हुए? नहीं देखा? टीवी पर तो देखा होगा, अगर रियल में नहीं देखा तो टीवी मंकीज जो होते हैं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर स्विंग करते रहते हैं। अ फ्यू ऑफ देम सिट ऑन द सिट ऑन द ग्राउंड एंड ईट बनानास। और मंकीज का फेवरेट फूड होता है बनाना। तो कुछ जो मंकीज है वो एक ट्री से दूसरे ट्री पर स्विंग करते रहते हैं, लेकिन जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं? बनानास ईट करते हैं। कहां पर? ऑन द ग्राउंड। फिर कलरफुल बर्ड्स फ्लाई अराउंड एवरीवेयर। तो कलरफुल बर्ड्स, बर्ड्स कैसी होती हैं? कलरफुल होती हैं, कई तरीके की बर्ड्स होती हैं। वो सारी क्या कर रही हैं? फ्लाई कर रही हैं पूरे जगह, ऑल एवरीवेयर। अराउंड एवरीवेयर मतलब एवरीवेयर मतलब हर जगह, हर तरफ। देन तब द चिल्ड्रन सी द एलिफेंट्स। बच्चों आप लोगों ने एलिफेंट देखा है? यस मैम। कैसा होता है एलिफेंट? टाइनी सा? नो मैम, बड़ा, बिग। बिग एलिफेंट्स बहुत बिग होते हैं। सबसे बिग जो एनिमल दिखता है हमको वो एलिफेंट होता है, और बहुत ज्यादा उसका वेट भी होता है ना। और किस कलर के होते हैं एलिफेंट्स? एलिफेंट्स का कलर बताइए। ग्रे। ग्रे, ग्रे कलर के होते हैं। दे आर ह्यूज, ये बहुत बड़े होते हैं। द एलिफेंट्स आर हैप्पीली बाथिंग, यानी कि जो एलिफेंट्स है वो बहुत खुशी खुशी बात कर रहे हैं। दे स्प्लैश अराउंड एंड स्प्रे वाटर ऑन ईच अदर। वो लोग स्प्लैश करते हैं पानी में, स्प्लैश करने में कितना मजा आता है। तो जो एलिफेंट्स होते हैं वो भी वाटर को स्प्लैश करते हैं। फिर दे स्प्लैश अराउंड एंड स्प्रे वाटर ऑन ईच अदर, और उनकी जो ट्रंक होती है उससे वो लोग वाटर को स्प्रे भी करते हैं एक दूसरे पर।
फिर अली विशेस ही कुड जॉइन देम टू. अली विश करता है, अली चाहता है कि काश वो भी इन एलिफेंट्स को ज्वाइन कर पाता. सून इट इज टाइम टू गो होम. जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, अब घर जाने का टाइम हो गया. अली एंड हिज फ्रेंड हैव अ वंडरफुल डे एट द जू. अली और उनके फ्रेंड्स का बहुत अच्छा दिन गुजरा जू में और उनको बड़ा मजा आया. ये आपका पैसेज था. अब आ जाइए पेज नंबर 66 पर. देखिए इसमें एक्सरसाइजेस हैं. हम क्वेश्चन करेंगे एंड ट्राई टू गिव द आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज अली एंड हिज फ्रेंड्स गो टू द जू ऑन सैटरडे, संडे या मंडे. संडे. संडे. तो टिक ऑन संडे. संडे पर क्लिक करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिल्ड्रन सी मैनी एट द जू. डॉग्स एंड कैट्स, पैंथर्स और वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल. करेक्ट. वाइल्ड एनिमल्स पर टिक करिए. नेक्स्ट वाइल्ड एनिमल. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज the are swinging from the trees. Monkeys, gorillas, chimpanzees. Monkeys are swinging from the trees. Colorful fly around everywhere. Bird. Correct. Next question is the elephants are happily bathing, walking, drinking water. Bathing. Okay. So now you have to answer questions. Okay. So first question is, where does Ali go with his friends? Where does Ali go with his friends? What is the answer of this question? Zoo. Ali went to the zoo with his friends. Try to give answer in sentences, bachcho. One word answer nahi hai. Ye aapko sentence banakar answer karna hai. So question tha, where does Ali go with his friends? The answer is Ali went to the zoo with his friends, है ना? Ali अपने friends के साथ कहाँ गया? Zoo गया. Go मतलब होता है जाना, going मतलब होता है जा रहा है, and गया का मतलब क्या होता है? Went मतलब हो जाएगा आपका go. चलो, next question is who takes the children there? Who takes the children there? तो आंसर करिए. Who takes the children there? There मतलब zoo में. कौन बच्चों को वहां ले गया? Try to answer this question बच्चों. Try करिए. Who takes the children there? कौन बताएगा? बीच बनाना है. अभी अभी आपको पूरा पैसेज बताया बच्चों. द चिल्ड्रन, हाँ, अलीज फादर टुक द चिल्ड्रन देयर. टेक मतलब होता है कि ले जाते हैं या ले जाना. लेकिन हाँ, लेकिन टुक मतलब ले गए. चलो नेक्स्ट देखो. नेम टू एनिमल्स दैट द चिल्ड्रन सी एट द जू. एनी टू एनिमल्स.
Elephant word. Elephant word. बर्ड तो बर्ड्स होती है ना बच्चों, एनिमल बताइए. मंकी. मंकी मंकी. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द एलिफेंट्स डू व्हाइल बाथिंग. बताइए. What do the elephants do while bathing? Elephants क्या करते थे बात करते time? The elephants splash water on each other while bathing. Splash करते थे ना water. वॉटर स्प्लैश करते थे, स्प्रे करते थे इच अदर पर, है ना? यस मैम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज. कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको पैसेज से आप लीजिए. दैट टेल्स अस दैट अली एंड हिज फ्रेंड्स एंजॉय देयर डे एट द जू. तो कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिससे आपको पता चल रहा है कि अली और उसके फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने जू में बड़ा एंजॉय किया. फिर करिए एंड टेल मी दैट सेंटेंस. वही पढ़ा रही हूँ. प्रभात चंद्रा आदित्य वाला खत्म कर दीजिए क्वेश्चन. बताइए जल्दी कौन सा ऐसा लाइन है. बताइए. अली मिसेस ही कुड जॉइन देम टू. लास्ट लाइन देखिए बच्चों, उसी से पता चल रहा है कि बच्चों ने जू में बड़ा एंजॉय किया. जैसे कि देखिए लिखा है अली एंड हिज फ्रेंड्स Have a wonderful day at the zoo. साफ साफ उसमें लिखा है बच्चों कि अली एंड उसके फ्रेंड्स ने जू में बहुत अच्छा दिन स्पेंड किया. तो यही इसका आंसर हो जाएगा. आप लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हो ठीक से आंसर करने की. चलिए ये पैसेज आपका एंड होता है. चैप्टर्स आपके सारे एंड हो ही चुके हैं. पेज नंबर रंगी लेकर आए हैं. 60 पर आइए. पेज नंबर 60 पर. आप लोगों ने उस दिन वर्ड पावर पढ़ा था. जैसे लायन, लायन का घर क्या होता है, लायन कहाँ पर रहता है, डेन में रहता है. रैबिट कहाँ रहता है, बिडो. डॉग कहाँ रहता है, कैनल. और रूस्टर कहाँ पर रहता है. तुम्हें अच्छी से आवाज आ रही है जो मुझे कह रहे हो. रूस्टर रहता है कहाँ पर, कूप में. कहाँ रहता है, कूप में. कूप में. तो इसका एक्सरसाइजेस आप सब कर चुके हैं बच्चों. फिल इन द ब्लैंक्स विद नेम ऑफ एनिमल्स होम फ्रॉम द बॉक्स, ये वाला कर चुके हो. बताया था ना. बी कहाँ रहती है. अ बी लिव्स इन अ हाइव. हाइव. अ बी लिव्स इन अ हाइव. और अ शीप लिव्स इन अ Pen. Cow lives in a shed. Shed. Mummy. Oh,
So sheep lives in a shed, cow lives in a shed. Sorry, sheep lives in a pen and cow lives in a shed, है ना? Spider lives in a web. A bear lives in a cave. An ant lives in a anthill. Snake lives in a hole. So, names of some animals and their young ones. Lion ka young one kaun hota hai? Bataiye, lion ke baby ko kya kehte hain? Cub. Cub, hai na? Dog ka baby? Puppy. Puppy. Pup. Rabbit ka baby? Kitten. 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 Hen ka baby? Chicken. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और रिवीजन कर लेंगे जो हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ है. ओके, चलो. एनी क्वेश्चंस बच्चों? नो मैम. चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय. चलिए, जो कह रहे थे ना, इसमें 19 पेज नहीं है.